अक्षय कुमार की मां का हाल ही में 8 सितंबर को निधन हो गया। पीएम मोदी ने अक्षय कुमार के लिए लंबा चौड़ा नोट लिखकर उनकी मां के निधन पर दुख जताया है। अक्षय कुमार ने भी पीएम के इस शोक संदेश को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पीएम के इस पत्र को शेयर करते हुए अक्षय ने कैप्शन में लिखा है, मां के निधन के बाद मिले सभी शोक संदेशों के लिए आप सभी का आभारी हूँ। माननीय पीएम के अमेजिंग जेस्चर के लिए आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे दिवंगत पेरेंट्स के लिए समय निकालकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। ये सुकून भरे शब्द हमेशा मेरे साथ रहेंगे। जय अम्बे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय को सांत्वना देते हुए काफी लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। इस शोक संदेश में पीएम मोदी ने लिखा है, यह बेहतर होता यदि मुझे यह पत्र लिखना ही नहीं पड़ता। एक आदर्श दुनिया में ऐसा समय कभी नहीं आना चाहिए था। आपकी मां अरुणा भाटिया जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुख हुआ। जब उस सुबह मैंने आपसे बात की तो आप काफी हतोत्साहित थे और आप पूरी तरह दुख में डूबे थे। जब लिखा था वो मेरी कोर यानी अहम हिस्सा थी और आज मैं भी वही अटूट दर्द आपकी तरफ से महसूस कर पा रहा हूँ। उन्होंने आगे लिखा है, आपने काफी अधिक मेहनत और संघर्ष के बाद सफलता का स्वाद चखा है। आपने अपने मजबूत इरादों और मेहनत के बल पर अपना नाम बनाया है। अपने इस सफर में अपने सही मूल्यों और नैतिक शक्ति को बनाए रखा ताकि आप विपरीत परिस्थितियों को भी अवसर में बदल सके, और यह सीख आपको आपके माता पिता से मिली है। जब आपने अपना करियर शुरू किया तो मुझे यकीन है कि रास्ते में आने वाले लोगों को शक रहा होगा, लेकिन आपकी माँ आपके साथ एक चट्टान की तरह खड़ी रहीं। सफलता की ऊंचाई से लेकर असफलता तक वह आपके साथ सहारा बनकर रहीं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आप हमेशा विनम्र और दयालु बने रहेंगे। उन्होंने आपके अंदर सेवा भावना भी भरी, जो समाज के लिए किए जाने वाले परोपकार के काम में आपका वही उत्साह बार बार नजर आया। मोदी ने आगे अपनी बात बढ़ाते हुए लिखा, खुशी की बात यह है कि उन्होंने जीवन काल में आपको सफलता और स्टारडम की नई ऊंचाइयों को छूते देखा। आपने जिस कदर उनकी देखभाल की वह काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने पूरी तरह से यह जानने के बाद दुनिया से विदा लिया है। उनका प्यारा बेटा भारत के सबसे चहेते और बहुमुखी एक्टर्स में से एक है। ऐसे दुख की घड़ी में शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी यादों और विरासत को संजोकर रखें और उन्हें गौरवान्वित करते रहें। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।